दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो कि आते 45,000 रुपीस के बजट प्राइस रेंज के अंदर। दोस्तों इंडिया में 40,000 से लेकर 45,000 के प्राइस रेंज में बहुत सारे लैपटॉप सेल होते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज से आपको पावरफुल लैपटॉप्स मिलने शुरू होते हैं। उसी को ध्यान में रखकर हमने इसे 5 लैपटॉप सिलेक्ट किए हैं। उनमें आप कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, ऑफिस वर्क और कॉलेज प्रेजेंटेशन जैसे काम बिना किसी इशू के कर सकते हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ लैपटॉप्स में आप डिसेंट लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही इनके अल्टरनेटिव लैपटॉप्स के बारे में भी जानेंगे, जिन्हें इस लिस्ट में हमने शामिल नहीं किया, लेकिन उन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों इन लैपटॉप्स की रैंकिंग हमने इनके प्रोसेसर और परफॉर्मेंस के हिसाब से की है। साथ ही कुछ यूनिक फीचर्स वाले लैपटॉप्स भी आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप अपना लैपटॉप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी इस बजट में कोई लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी के डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे इनमें से कौन सा लैपटॉप किस प्राइस में लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है Asus VivoBook 15 OLED। दोस्तों इसे इस लिस्ट में शामिल करने की सबसे बड़ी वजह इसकी डिस्प्ले। इस लिस्ट की सबसे बेस्ट डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है। इसमें OLED डिस्प्ले आती है। जिन लोगों को सिर्फ मल्टीमीडिया के लिए लैपटॉप चाहिए वो इसके साथ जा सकते हैं। याद है 15.6 इंचेस की फुल HD OLED डिस्प्ले के साथ जो 600 nits की ब्राइटनेस, HDR और 100% कलर गैमेट के साथ आता है, जिसमें 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। याद है 11 जनरेशन इंटेल कोर i3-1115G4 प्रोसेसर के साथ जो 2 कोर्स और 4 थ्रेड के साथ आता है, जिसमें 1.7 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी और 4.1 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और साथ ही इंटेल अल्ट्रा HD के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। इसमें 32,000 MHz 8GB DDR4 RAM मिलती है, जिसे आप 12GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए इसमें 1TB की HDD और 256GB की NVMe M.2 SSD भी मिल जाती है। इसमें स्टोरेज ऑप्शन भी शानदार देखने मिलता है। या तो ये विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन के साथ। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, HDMI पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट, एक USB 3.2 पोर्ट और दो USB 2.0 पोर्ट्स मिल जाते हैं। या तो HD वेबकैम के साथ, और इसमें बैकलेट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। इसमें 42 वाट आवर्स की 3-cell लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप देखने मिलता है। या तो 43,000 रुपीज के प्राइस के साथ। दोस्तों इसे इस लिस्ट में शामिल करने की सबसे बड़ी वजह इसकी डिस्प्ले क्वालिटी। इसके डिस्प्ले के आसपास आपको इस प्राइस में कोई और लैपटॉप देखने नहीं मिलता। इसमें इंटेल i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर आता है, जो एक ठीक ठाक प्रोसेसर है। इसमें आप ज्यादा हेवी टास्क तो नहीं कर सकते, लेकिन सभी नॉर्मल टास्क आसानी से हो जाते हैं। अगर आप इसका अल्टरनेटिव लैपटॉप चाहते हैं जिसमें बेस्ट डिस्प्ले के साथ एक बेस्ट प्रोसेसर भी हो, तो आप Honor MagicBook X14 के साथ भी जा सकते हैं। उसमें आपको 14 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। साथ ही इंटेल की 10 जनरेशन का i5-1021U प्रोसेसर मिलता है, जो 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स के साथ आता है। इसमें कंप्लीट एल्युमिनियम बॉडी मिलती है, अल्ट्रा सिम डिजाइन के साथ आता है, और साथ ही बैकलेट कीबोर्ड और 65W की टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाती है। लुक्स वाइज ये सच में प्रीमियम फील होता है। वैसे बिल्ड क्वालिटी के लिए आप Redmi Book Pro के साथ भी जा सकते हैं, उसमें भी आपको प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलती है, लेकिन डिस्प्ले इनके जैसी हाई क्वालिटी की नहीं मिलती। लेकिन इंटेल i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर और 512GB की NVMe M.2 SSD मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए आप Redmi Book Pro के साथ भी जा सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है Acer Aspire 5। दोस्तों ये एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप है, जो बेस्ट प्रोसेसिंग पावर के साथ आता है। साथ ही बिल्ड क्वालिटी भी शानदार मिलती है। इसमें एल्यूमिनियम टॉप मिल जाता है, जिसका वेट लगभग 1.65 kg के आसपास देखने मिलता है। यह था 15.6 इंचेस की फुल HD TFT डिस्प्ले के साथ, जिसमें 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। इसमें आता है इंटेल 11 जनरेशन i5-1135G7 प्रोसेसर, जो 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स के साथ आता है। इसमें 2.4 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी और 4.2 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और साथ ही इंटेल आईरिस एक्सी के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। इसमें 8GB DDR4 RAM मिलती है, जिसे आप 24GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, और साथ ही स्टोरेज के लिए इसमें 1TB की HDD मिल जाती है। इसका एक 512GB का SSD का वेरिएंट भी आता है, उसकी प्राइस 48,000 के आसपास देखने मिलती है। या तो विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन के साथ। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, HDMI पोर्ट, RJ45 पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट, दो USB 3.2 पोर्ट और एक USB 2.0 पोर्ट मिल जाता है। यह आता है HD वेबकैम के साथ, और इसमें बैकलेट कीबोर्ड भी मिल जाता है। इसमें 48 वाट आवर्स 3-cell लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाती है। यह आता है 46,000 रुपीज के प्राइस के साथ। इसकी प्राइस 1-2,000 रुपए से फ्लक्चुएट होती रहती है। कोशिश करें कि इसे आप कार्ड ऑफर के साथ परचेस करें, तब आपको लगभग 3,000 के आसपास डिस्काउंट भी मिल सकता है।
दोस्तों एक पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है जो आपके सभी काम आसानी से हैंडल कर लेता है। इसमें आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग, बेसिक वीडियो एडिटिंग और सभी प्रोफेशनल काम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 16GB रैम वाला लैपटॉप चाहते हैं तो फिलहाल 45,000 में आपको Asus VivoBook 15 मिल जाता है जो Ryzen 7 3700U इस प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आपको 512GB की SSD और 16GB की रैम मिलती है। सिर्फ इसमें आपको Ryzen की 3rd generation का प्रोसेसर मिलता है, उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वजह से Acer Aspire 5 इन स्पेसिफिकेशन के साथ हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है MSI Modern 14। दोस्तों MSI भी बजट सीरीज में लैपटॉप लॉन्च करने लगा है। ये इस लिस्ट का सबसे लाइट वेट लैपटॉप है जिसका वेट सिर्फ 1.3 kg के आसपास देखने मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात है, इसे आप फ्यूचर में काफी हद तक अपग्रेड कर सकते हैं। यह आता है 14 इंचेस की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले के साथ, जिसमें 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। यह आता है इंटेल की 11th जनरेशन i5-1155G7 प्रोसेसर के साथ, जो 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स के साथ आता है, जिसमें 2.5 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी और 4.5 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। साथ ही इसमें इंटेल आयरिस एक्स की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। यह आता है 32,000 MHz 8GB DDR4 रैम के साथ, जिसे आप 64GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसमें स्टोरेज के लिए 512GB की NVMe M.2 SSD मिलती है, उसे भी आप 2TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। या तो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस वर्जन के साथ, इसे आप विंडोज 11 में फ्री में अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें HD वेबकैम और बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.1, HDMI पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट और दो USB 3.2 पोर्ट्स मिल जाते हैं। इसमें 3-cell लिथियम आयन बैटरी आती है, जिसमें लगभग 4-5 hours के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाती है। यह आता है 45,000 rupees के प्राइस के साथ। प्राइस के हिसाब से इसमें आपको सभी डिसेंट फीचर्स मिलते हैं। इन फ्यूचर आप इसे काफी हद तक अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल लैपटॉप चाहिए तब आप इसके साथ जा सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। इस वजह से MSI Modern 14 इन स्पेसिफिकेशन के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। इसका एक Ryzen 5 5500U का मॉडल भी मिलता है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है Lenovo IdeaPad 3। दोस्तों नंबर 2 और नंबर 1 के दोनों ही लैपटॉप सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं और दोनों में ही आपको ऑलराउंडर फीचर्स मिल जाते हैं। Lenovo IdeaPad 3 में आपको 2 years की वारंटी, बैकलाइट कीबोर्ड और सभी शानदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। या तो स्लिम और लाइट वेट डिजाइन के साथ, इसका वेट सिर्फ 1.65 kg के आसपास देखने मिलता है। या तो 15.6 inches की फुल HD TFT इंटीग्रेटेड डिस्प्ले के साथ, जिसमें 250 nits की ब्राइटनेस और 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। या तो Ryzen 5 5500U इस पावरफुल प्रोसेसर के साथ, जिसमें 6 कोर और 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जो 2.1 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी और 4 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। और साथ ही इसमें Vega 7 की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों इसकी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इतने कैपेबल है कि आप इसमें थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हैं। यह तो 8GB DDR4 रैम के साथ, इसे आप 12GB तक अपग्रेड कर सकते हैं और इसमें 512GB की SSD भी मिल जाती है। यह तो विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS Office के लाइसेंस वर्जन के साथ। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, दो USB 3.2 पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट, RJ45 पोर्ट और HDMI पोर्ट मिल जाता है। इसमें HD वेबकैम और 1.5 वाट के डुअल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस मिल जाते हैं और साथ ही बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल जाता है। इसमें 3-cell लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप भी मिल जाती है। या तो 46,000 rupees के प्राइस के साथ। इसकी प्राइस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन कार्ड ऑफर के साथ ही आपको 45,000 के अंदर आसानी से मिल जाता है। इसमें आपके सभी हेवी टास्क आसानी से हो जाते हैं। इसमें आप कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। इस वजह से Lenovo IdeaPad 3 इन स्पेसिफिकेशन के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है HP 15S, या फिर आप HP 14S के साथ भी जा सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट का एक बेस्ट ऑलराउंडर और पावरफुल लैपटॉप है जो लेटेस्ट फीचर्स के साथ आता है। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और साथ ही Lenovo IdeaPad 3 से थोड़ी बेटर डिस्प्ले क्वालिटी भी मिल जाती है, लेकिन आपको प्रोसेसर दोनों में ही सेम मिलता है। ये भी स्लिम और प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है, जिसका वेट 1.69 kg है। यह था 15.6 inches की फुल HD एंटीग्लेयर डिस्प्ले के साथ, जिसमें 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। ये भी आता है Ryzen 5 5500U इस प्रोसेसर के साथ, जिसमें 6 कोर और 12 थ्रेड्स मिलते हैं, जो 2.1 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी और 4 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। और साथ ही इसमें AMD Vega 7 की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। इसमें आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हैं। यह आता है 32,000 MHz 8GB DDR4 रैम के साथ, उसे आप 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं और साथ ही इसमें 512GB की NVMe M.2 SSD भी मिल जाती है। या तो विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS Office 2019 के लाइसेंस वर्जन के साथ,
कनेक्टिविटी के लिए इसमें आते हैं ड्यूअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट, एक एचडीएमआई पोर्ट और तीन यूएसबी 3.2 पोर्ट्स मिल जाते हैं। ये आते हैं ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स और एचडी वेबकैम के साथ और इसमें इंटीग्रेटेड एलेक्सा का सपोर्ट भी मिल जाता है। इसमें 3 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है जिसमें आपको 6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप भी मिल जाती है। ये आता है 46,000 रुपीस के प्राइस के साथ, जो प्राइस के हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, जो सेल और कार्ड ऑफर के साथ आपको 45,000 के अंदर आसानी से मिल जाता है। दोस्तों इसका एक 14 इंचेस का वेरिएंट भी आता है जिसमें आपको लगभग सेम स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और प्रोसेसर मिलता है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए तब आप उसके साथ भी जा सकते हैं, उसमें आपको बैकलेट कीबोर्ड भी मिल जाता है। इस वजह से HP 15S और HP 14S हमारे लिस्ट में नंबर एक पर आते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो कि आते हैं 45,000 रुपीस के प्राइस रेंज के अंदर। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलता है अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।